हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग प्रीवियस का जितना भी हम लोग कराए थे एक्सरसाइज, हम लोग जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कर लिए थे एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस क्लास में। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग वो कर लिए होंगे। अगर जो बच्चों अभी तक वो नहीं किए तो पहले प्लीज वो जाके कर ले, क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहा है। थोड़ा बेसिक लेवल का किए, फिर थोड़ा उससे ज्यादा लेवल का किए, फिर उससे थोड़ा और ज्यादा लेवल का कर रहे, जिस वजह से थोड़ा ना, अगर जो आप थोड़ा सा भी एक भी क्लास अगर जो आप मिस कर रहे हो तो फिर आपके लिए समझना बहुत ही मतलब एक तरह से मुश्किल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्रॉपर चेक करते रहिए कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है और उस हिसाब से आप लोग प्रॉपर क्लास लेते रहे। और स्टूडेंट्स, आप लोग को एक चीज और, अगर जो अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो दोस्त आपके जो भी फ्रेंड्स है या स्टूडेंट्स है जो भी क्लास 8 का जो हमारे साथ जुड़ के और पढ़ सके। ओके स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक भी कर दे, ठीक है? लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बता कि आपको कैसा लग रहा था। ओके स्टूडेंट, कि आपकी ये जो हमारी जो आपके लिए जो वीडियो था आपके लिए कितना यूजफुल है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ साथ अगर जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि डेली आपके लिए हम 8 क्लास की या और भी आपके कोई भी एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, तो आप उन्हें भी बता कि 8th, 9th, 10th की अब प्रॉपर जो है आपकी क्लास यहाँ पे चल रही है विद टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो आप बस टाइमिंग यहाँ पे अपडेट देखते रहिए और चेक करते रहिए और उन्हें बता दे, ताकि आपको घर बैठे भी आप लोग आराम से पढ़ सके। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर आज की हम लोग जो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4। कौन सी एक्सरसाइज करने वाले बच्चों? 2.4 पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो अब जो 2.4 है, हम पहले ही आपको बताए थे कि थोड़ा एक एक्सरसाइज स्टेटमेंट का होगा, फिर एक एक्सरसाइज हम लोग थोड़ा ऐसे ही होगा। आज जो हम लोग एग्जाम्पल यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एनसीईआरटी का हम आपको जैसा पता था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 करा रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो स्टूडेंट्स, इसमें यह था कि अमीना थिंक्स ए नंबर, देखो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं अमीना थिंक्स ए नंबर, यानी कि अमीना है जो बच्चों वो कोई एक नंबर सोचती है, थिंक्स ए नंबर एंड और जो नंबर सोचती है बच्चों उसमें वो क्या करती है, एंड अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट। देखो सेम क्वेश्चन है 2.3 का, आई होप कि इस तरह का ही क्वेश्चन से आप लोग करोगे, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, यानी कि सपोज करो कि तो आपको एक नंबर सोच रहे हो उसमें से 5/3 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, यानी कि अब जो आंसर आता है जो मल्टीप्ल सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है तो उसमें 8 मल्टीप्लाई करती है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड, यानी कि अब जो रिजल्ट जो आता है बच्चों वो क्या आ जाता है, इज थ्री टाइम्स द सेम नंबर सी थाउट। देखो थोड़ा स्टेटमेंट क्वेश्चन आप लोग एक बार दो बार क्वेश्चन से बार बार हम बोलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आप लोग, इसलिए थोड़ा देखो हमें टाइम लगता है, बट हम क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख देते हैं ताकि आप लोग जब तक हम कर रहे हैं तो आप लोग भी क्वेश्चन यहां देख के पढ़ सकते हो। व्हाट सी नंबर थाउट, देखो क्वेश्चन क्या था बच्चों, आई होप आप देखो पहले एक बार कुछ क्वेश्चन बच्चों नहीं समझे मैं समझा देते। अमीना जो है एक नंबर सोचती है, तो मान लेते सबसे पहले हम बोले थे कि जो नंबर सोचती है उसे हम बताए थे बच्चों एक्स, मान लो तो मान लिया कि जो नंबर सोची थी वो क्या सोची थी एक्स, तो लेट द नंबर सी थाउट, सी यूज कर रहे हैं अमीना के लिए, ठीक है, सी थाउट बी एक्स, यानी कि जो नंबर सोची थी एक्स था। अब क्वेश्चन में ये तरह कह रहा था बच्चों की जो नंबर सोचती है उसमें से 5/2 को वो क्या करती है, माइनस, तो एक्स माइनस 5/2। अब जो इसका आंसर आया सोल्व करके बच्चों उसके रिजल्ट में 8 मल्टीप्लाई करती है, इसमें हम 8 मल्टीप्लाई करती है ब्रैकेट में रखे, पहले से हम माइनस करेंगे बाद में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आंसर, जो आंसर जो रिजल्ट आता है क्या आता है बच्चों, 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थाउट,
यानी कि अब जो जितना नंबर सोची थी ना उसका तीन गुना आ जाता है रिजल्ट, यानी कि नंबर कितना सोची थी x, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अब इजी क्वेश्चन हो गया, आज से हम पहले एट फर्स्ट 1 और 2 को सोल्व करेंगे बच्चों। तो 1 2 जा 2, तो यहां से 1 2 जा 2, तो यहां पे 2x आएगा, यहां पे 5 और इनटू 4। आई होप कि देखो ये 2 से 2 कट जाए, यहां पे सॉरी 8 था वो काटने के बाद 4 आता, हमें कष्टे पागे चले गए थे 3x। ओके स्टूडेंट्स, यहां से 2 से कट गया 4 से, यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3x। ओके स्टूडेंट, 4 को 2 से करेंगे 8x और 5 4 जा 20 इक्वल टू 3x। देन द वैल्यू ऑफ, यहां से हम लोग देखो बच्चों, यहां से हम लोग आसान से वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। यहां से हम लोग जो वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 8x माइनस 3x, 3x को इधर ले आया माइनस में था, इधर माइनस 20 था, इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू 20। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, दैट मींस 5 4 जा 20 यानी कि 5। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों की क्या था क्वेश्चंस में, देखो क्या था, पहले को एक नंबर सोचे x, उसमें से 5 अपॉन 2 को घटा दिए, जो आंसर आता था उसमें हम 8 को मल्टीप्लाई करते थे, हमारा आंसर जो हम पहले नंबर सोचे थे उसका तीन गुना हो जाता यानी कि 3x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा, आप चाहो तो एक बार अच्छे से समझ सकते हो, और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो करने में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेल। नाउ अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसका कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम देन आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, और अगर जो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके हमें यह भी बताना कि आपके लिए वीडियो कितना यूजफुल है, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, ज्यादा ज्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी बच्चों जो है बेनिफिट ले सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर टू में देखो बच्चों क्या था, क्वेश्चन नंबर टू में जो है बच्चों देखो, एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर देखो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है बच्चों, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है बच्चों वो क्या, 5 टाइम्स अनदर नंबर, दूसरे नंबर का वो कितना है बच्चों, 5 टाइम्स है यानी कि 5 गुना अनदर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, इफ 21 इज एडेड यानी कि हम लोग 21 ऐड करते हैं दोनों नंबर में, 21 इज एडेड टू बोथ नंबर यानी कि हम लोग अगर जब दोनों नंबर में 21 ऐड करते हैं, देन वन न्यू नंबर यानी कि अब जो एक पहला जो न्यू नंबर आता है, देन वन न्यू नंबर बिकम्स ट्विस यानी कि जो न्यू नंबर जो होता है ना बच्चों वो दुगुना हो जाता है किसका, द अदर न्यू नंबर यानी कि जो दूसरे न्यू नंबर का ये दुगुना हो जाता है जो न्यू नंबर आता है। What are the numbers? यानी कि ये जो numbers क्या आता है, हमें ये find out करना था। I hope कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे students कि किस तरह से करना था। Questions में ये बोला कि कोई positive number मान ले, let the positive number be x। Let यहाँ से देखो solutions कर लेते हैं बच्चों, हम बताए थे जिसका कोई solution नहीं होता उसका x होता, इसलिए हम लोग इसे x माने। तो let the one positive number बी एक्स यानी कि जो पहला पॉजिटिव नंबर था बच्चों से हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, देन पहले पॉजिटिव नंबर को क्या मान लिए बच्चों, एक्स, देन फाइव टाइम्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इफ वी एडेड इन बोथ नंबर वाई 21, देन द न्यू नंबर इज जो न्यू नंबर आता है वो क्या हो जाता है बच्चों, 2 टाइम्स हो जाता है। ये जो अब न्यू नंबर ये आ गया हमारे पास, इसका जो न्यू नंबर पहले 5x प्लस 21 किए, तो ये जो है अब इसमें जब हम 21 ऐड किए ना, तो इसका ये डबल हो जाता है यानी कि हम अब ये दोनों बराबर कब हो जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको नहीं समझ में आया, देखो क्वेश्चन में ये था बच्चों कि इफ 21 इज एडेड बोथ नंबर, अब दोनों में हम 21 ऐड करेंगे तो एक जो न्यू नंबर बिकेम दूसरे का 2 गुना हो जाता है, देखो ये छोटा तो ये जो है इसका 2 गुना हो जाता है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। हम बोले कि यहाँ पे कोई पहले हम 8 नंबर एक लिए थे और एक 10,
बाद में हम देखें कि ये यहाँ पे हम इसे चार से ये इसका चार टाइम्स हो जाता, जैसे यहाँ पे ये 40 हो गया तो ये इसका पांच टाइम्स आता, इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये भी 40 होगा, दोनों इक्वेशन जो है बच्चों इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां से इसे हम 2 से मल्टीप्लाई किए, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि वाई वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन दैट LHS, why we not multiply in RHS? Okay students, तो यहाँ से 2 को x से multiply करेंगे, देखो 2x plus 42 is equal to 5x plus 21. After then 2x minus 5x, 2x minus 5x is equal to 21 minus 42 and 5 में से 2 जाएगा students, minus 3x is equal to minus 42 में से 42 में से 21 क्या जाएगा बच्चों minus 21, minus से minus cancel हो गया, the value of x is equal to 21 upon 3, that means 7. X की वैल्यू 7 आ गया, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो रिजल्ट में, 7 प्लस 21 28 इंटू 256, 75 या 35 देखो इधर 35 प्लस 21 56, बोथ LHS एंड RHS बोथ ऑफ द इक्वेशन आर सेम। अब हम यहां से चेक कर भी सकते हैं, 35 आ गया, 35 में हम 21 ऐड करेंगे 56 आ गया। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों को डाउट ये रह जाता है कि हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई किए इधर क्यों, तब हमेशा ध्यान रखना, अगर जो ये 2 टाइम्स होता है ना, आपको ध्यान होगा कि एज में हम क्वेश्चंस बताए थे, अब एज में हम क्वेश्चंस बताए थे कि देखो सन का एज 2 साल के बाद x प्लस 2 है, अब बेटा जो था मान लो बाप जो था उसकी पिताजी जो थे वो उससे इसका एज का 5 गुना थे, इसका एज का मान लो पिताजी का एज था इमेजिन कर लो पहले वो 5 साल के बाद था 5x प्लस 2, अब 5 साल के बाद इसका ये 5 गुना हो जाते हैं तो हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये दोनों का एज बराबर होगा। देखो एज का भी क्वेश्चन हम कराएंगे तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसके बेस पे आप लोग जब क्वेश्चन करोगे, आपको 9th में भी क्वेश्चन जब लीनियर पढ़ोगे तो अभी आपको करना आएगा 10th में भी, ठीक है बच्चों, थोड़ा इसे आप लोग ध्यान से समझना, डिजिट का क्वेश्चन है और आई होप कि देखो हम भी बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझाएंगे और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या था, एट फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, आफ्टर देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में है देखो कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, दो डिजिट का नंबर है जिसका सम जो है बच्चों वो क्या आता है इज 9, यानी कि कोई एक नंबर है दो डिजिट का, मान लो हम यहाँ पे लिखे 63 तो इसका सम क्या आएगा 9, तो इस तरह से कोई नंबर है कि दो डिजिट का नंबर है उसे उसका डिजिट का सम 9 था। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ रहे होंगे क्वेश्चन में क्या था। वेन वी इंटरचेंज द डिजिट, यानी कि हम डिजिट को क्या कर दिए इंटरचेंज, पहले यानी कि 6 टेंस पे था और ये 3 पे था, अब इधर हम 3 को ले आएंगे 6 को इधर ले आए। ओके स्टूडेंट्स, इंटरचेंज ये था, आई होप कि देखो ये भी समझ रहे होंगे। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी कि हम अगर जो डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट जब हम इंटरचेंज किए तो हमें ऐसा फाउंड होता है रिजल्टिंग न्यू नंबर, यानी कि जो न्यू नंबर हमें मिलता है ना बच्चों, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, यानी कि ये जो दो डिजिट का नंबर है ये क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस था और बिल्कुल ही आसान है, आई होप कि आप लोग समझ, बस थोड़ा सा सबसे पहले क्या था कि दो डिजिट है तो पहले मान लेते लेट द वंस डिजिट बी दो डिजिट होगा तो एक क्या होगा वंस और दूसरा टेंस होगा। देखो इस तरह से हम बोले कि कोई दो नंबर है जिसे ऐड करके 9 आ रहा है,
अब एक नंबर आपको पता कि मान लो सिक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, नाइन माइनस सिक्स, नाइन माइनस सिक्स करोगे तब थ्री आएगा। तो एक नंबर एक्स था तो दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, नाइन माइनस एक्स। आई होप कि आप लोग यहां तक देखो समझ पा रहे हो कि क्या हम बताना चाह रहे थे। दूसरा जो नंबर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, दूसरा जो नंबर था बच्चों वो क्या आ गया, नाइन माइनस एक्स। अब जो देखो क्वेश्चन में था बच्चों, देन द डिजिट इज, अब जो डिजिट होगा ठीक है बच्चों क्या होगा, टेन इंटू नाइन माइनस एक्स, देखो ये हुआ ना प्लस एक्स, कैसे नाइन माइनस एक्स प्लस एक्स। जैसे आप 63 को कैसे लिखेंगे बच्चों, टेन इंटू सिक्स, क्योंकि ये टेंस पे है तो टेन इंटू सिक्स प्लस थ्री। आई होप कि देखो इस तरह से, यही हमारा टेंस था नाइन माइनस एक्स, तो हम इसे टेन इंटू नाइन माइनस एक्स प्लस थ्री लिखे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यह है बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यह था कि हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि पहले ये तो पहले 10 माइनस नाइन एक्स है और प्लस एक्स, इसे इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस बार जो एक्स वंश था ये टेंस बन गया और ये वंश बन जाएगा नाइन माइनस एक्स। जब इंटरचेंज करते हैं बच्चों तो ये होता है व्हेन डिजिट इज इंटरचेंज, तो हमारा ये डिजिट बनेगा, ये बनेगा। व्हेन द डिजिट इज इंटरचेंज द ओरिजिनल नंबर, ये जो नंबर हुआ द ग्रेटर देन, व्हेन द रिजल्टिंग द न्यू ग्रेटर, देखो क्या था, इट इज फॉर्म्ड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि जो न्यू नंबर ये जो आता है ना, ओरिजिनल नंबर ये था, इससे ये 27 बढ़ा, ये 27 ज्यादा, तो जब ये 27 ज्यादा तो हम प्लस 27 इधर करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे, हम ये बोले कि 8 से ये जो नंबर है 8 से ये 15 ज्यादा है कोई एक नंबर, तो हम इधर 15 इधर, जब अब ये बोले कि ये 15 जो है 8 से 7 ज्यादा, तो हम 8 में 7 प्लस करेंगे तभी तो ये 15 होगा, या कि हम 15 में 7 प्लस करेंगे, नहीं ना। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि क्या था, क्वेश्चन बोले कि 8 से 8 में से 15 जो है वो 7 ज्यादा, देखो 8 में से हम बोले कि ये पहले नंबर 8 था और दूसरा नंबर 15 आया और ये 8 से 7 ज्यादा, 8 से 8 से 7 ज्यादा, तो देन हम किस में प्लस करेंगे, 8 में या 7 में, सर 8 में या 15 में प्लस करेंगे हम, 7 7th में प्लस करेंगे, तभी तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 माइनस एक्स यहां इक्वल टू प्लस 21 हम लोग यहां करेंगे, ओके स्टूडेंट, क्योंकि 21 सॉरी 27 ज्यादा था, 27 ज्यादा है तो हम यहां पे 27 प्लस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस में क्या था, और इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10 इंटू 9 90, 10 इंटू एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल टू प्लस 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ओके स्टूडेंट्स। 90 27, 10x x माइनस 9x, 19 90 में से 27 जाएगा बच्चों, 90 में से 27 जाएगा माइनस करो 3 और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 63 एंड प्लस 63 इक्वल टू 10 में से x जाएगा स्टूडेंट्स 9x, 9x प्लस 9। आई होप कि देखो आपको यहां तक समझ रहा होगा, मैं आ रहा होगा दिख भी रहा होगा। अब हम क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं, माइनस 9x इधर प्लस 9x है, इधर आके ये भी माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू 9 प्लस 9 है, ये प्लस 63 इधर आके माइनस 63 हो जाएगा, 9 और 9 क्या जाएगा बच्चों, 9 और 9 18, 9 और 9 18x माइनस 18x, 63 में से 9 जाएगा, 63 में से 9 जाएगा बच्चों, या 54 माइनस 54, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू 54 अपॉन 18 3, देन एक्स की वैल्यू 3 आ गया, तो हमारा ये क्या था बच्चों, वंश डिजिट था, ये क्या था वंश डिजिट, और टेंस डिजिट जो था बच्चों, टेंस डिजिट जो था, टेंस डिजिट जो हमारा था वो क्या था बच्चों, टेंस डिजिट क्या था, 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस 3 6, देन द डिजिट इज, जो हमारा डिजिट था वो क्या था बच्चों 36, क्या था टेंस डिजिट 60, टेंस डिजिट क्या था बच्चों 6 और वंश डिजिट थे यानी कि 63, आवर आंसर इज 63। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों की क्या हमें करना था, किस तरह से क्वेश्चंस में था, ओके स्टूडेंट्स समझ में आ रहा कि देखो इस तरह से हमें करना था, तो आंसर इज 63 ना। तो आई होप कि देखो एक बार आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, फिर भी कोई कोई अगर जो डाउट होता तो आप हमें कमेंट करके बताना, अगेन हम आपको किसी तरह से या तो व्हाट्सएप थ्रू या किसी तरह से जैसे भी आपको होगा कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, आपको हम करा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर फोर, ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, फोर्थ भी इसी के डिजिट के ही बेस पे है, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट अलग दे दिया कि उससे कितना गुना हो जाता है क्या हो जाता है,
पहले हम तो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या करना था। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज दैट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या करना था, फोर्थ में क्या करना था बच्चों, फोर्थ में है one of two digits is three times the other digit, is three times, देखो अब इसमें दे दिया, पहले वो बोला था कि एक दूसरे से दोनों का सम नाइन था, इसमें बोला कि जो एक डिजिट नंबर है ना दूसरे से तीन गुना है, तो मानो एक बार इसे थ्री मारेंगे तो दूसरा नाइन होगा, एक बार टू मारे तो दूसरा सिक्स होगा। ओके स्टूडेंट, देखो थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग यहां तक समझ रहे होंगे कि एक नंबर है जो दूसरे से तीन गुना ज्यादा, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, वही वंस को टेंस बना देंगे, टेंस को वन बना देंगे, इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ इट्स टू डिजिट नंबर एंड एडेड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 20. इंटरचेंज द टू डिजिट नंबर एंड एडेड द न्यू नंबर या रिजल्टिंग नंबर, इसमें लिखा एंड एडेड द रिजल्टिंग नंबर, you will get answer is 88. Find the number. क्वेश्चन में ये बोला बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला ठीक है कि ओरिजिनल नंबर्स क्या होगा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर या व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था, हमें ये फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में देखो ये बोला बच्चों कि पहला जो वंस एक जो नंबर है दूसरे से तीन गुना, अगर जब उसे इंटरचेंज कर देते बाद में, और जो दोनों डिजिट का जब इंटरचेंज कर दिए बाद में दोनों डिजिट का जो सम है वो 88 आ रहा है। एट फर्स्ट लेट द वंस डिजिट बी एक्स, मान लिए देन टेंस डिजिट जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, सिक्स, क्या था इसका तीन गुना था, दैट मीन्स 3x। अब डिजिट जो होगा क्या होगा बच्चों, डिजिट इज जो नंबर हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 into 3x plus x, यानी कि 30x plus x। ओके स्टूडेंट्स, 30x क्या जाएगा बच्चों, 30x plus x, क्योंकि वंस डिजिट x मान है, दैट मीन 31x, क्या जाएगा बच्चों, 31x। आफ्टर देन स्टूडेंट्स देखो क्या था कि देखो एक द सम ऑफ टू डिजिट्स, वन ऑफ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट, ये तो हो गया, तो थ्री आफ्टर इफ डिजिट इज इंटरचेंज, यानी कि अब हम लोग जो डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे बच्चों, दिन क्या आ जाएगा, जब डिजिट को हम इंटरचेंज कर देंगे तो वंस डिजिट जो है हमारा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 10x, सॉरी वंस डिजिट जो है बच्चों हमारा 3x हो गया, और टेंस जो है बच्चों क्या आ जाएगा, x, देन न्यू नंबर हमारा जो है बच्चों वो क्या बन रहा होगा, 10x, यानी कि 10 into x plus 3x, दैट मीन्स 10x plus 3x, दैट मीन्स 13x, दैट मीन्स 13x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इज दैट कि ये दोनों को हम ऐड करते हैं 31x plus 13x equal to 88, 44x equal to 88, that means the value of x is equal to 2, तो one number 2 हो गया, then once यहाँ से क्या था, once digit क्या था बच्चों, once digit तो 2x था equal to 2, and tens digit
टेंस डिजिट जो था बच्चों वो क्या था, टेंस डिजिट क्या था बच्चों, 3x, दैट मींस 3 × 2 = 6। नंबर जो हमारा बनेगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 62। नंबर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 62। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या करना था हमें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना था, सॉर्ट आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, आप लोग जब तक चाहो तो इसे आप लोग जब तक इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन इज दैट, 5 क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या करना था, फाइव क्वेश्चंस जो है देखो बच्चों, ये एज का क्वेश्चन, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आई होप कि देखो एज का रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग 2-3-4 क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और चलो देखते हैं, अगर जो नहीं है तो फिर तो हम है ही आप लोग। आई होप कि देखो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को भी साथ साथ में समझ में आएगा। देखो इसमें दिया हुआ था सुबू एज, सुबूस मदर एज, सुबू मदर, मदर्स एज, यानी कि सुबू की जो माँ की एज है बच्चों, सुबू मदर्स, सुबू मदर्स, सुबू मदर्स प्रेजेंट एज, सुबू मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि जो सुबू की माँ की प्रेजेंट एज जो है बच्चों, प्रेजेंट एज इज, इज 6 times, यानी कि कितना बच्चों, 6 × 6 times सुबू प्रेजेंट एज, सुबू प्रेजेंट एज, यानी कि जो सुबू की माँ की, सुबू की जो माँ की एज है 6 × सुबू की प्रेजेंट एज से, यानी कि अगर जो सुबू, सुबू की एज मान लो सुबू 5 साल की है तो उसकी माँ, इसके 6 × क्या हो जाएगा, 30 years। ठीक है बच्चा, सुबू प्रेजेंट एज। यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि एक का एक्स होगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो था बच्चों, सुबू एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 5 साल के बाद, ठीक है, और एगो होता तो पहले, सुबुज एज 5 years, 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 5 साल के बाद, 5 years फ्रॉम नाउ, विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर एज, क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है मदर एज की, 1/3 ऑफ हिज मदर एज, 1/3 ऑफ हिज मदर, मदर्स परसेंटेज, जो माँ की परसेंटेज क्या है ना, उसकी 1/3 हो जाती है, 1/3, ठीक है। व्हाट आर दी प्रेजेंट एज, यानी कि ये दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, ठीक है बच्चों, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, यानी कि ये दोनों की प्रेजेंट एज जो क्या है बच्चों, हमें ये फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन एक बार हम दोबारा शॉर्ट आउट आपके लिए कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चंस में ये था कि जो सुबू की माँ की जो अभी की एज है, वो सुबू की एज की 6 गुना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किससे 6 गुना, अब इसमें भी हम एक्स मानेंगे, किसे, जिससे रिलेट करके हमें दे रहा है। यहाँ पे सुबू की माँ की एज बताया और किससे रिलेट कर रहा है, वो सुबू की एज से, तो हम सुबू की एज को एक्स मानेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सुबू की प्रेजेंट एज जो हम क्या मान ले, एक्स ईयर्स, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सुबू मदर्स, यानी कि सुबू की माँ की प्रेजेंट एज जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा, 6x। अब क्वेश्चन सुनिए था, आफ्टर क्या था बच्चों, आफ्टर फाइव ईयर्स सुबू एज, यानी कि 5 साल के बाद सुबू की एज क्या होगा बच्चों, x plus 5। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि जो सुबू जो है ना, 5 साल के बाद अपनी माँ की कितनी, कितना हो जाता है, कितनी हो जाती है वो,
माँ की जो एज होता है उसका कितना जाता है बच्चों, देखो सुबह एज फ्रॉम 5 इयर्स ना 1/3, यानी कि 1/3 × 6x, दैट मींस देखो यहां से कट रहा है बच्चों क्या हो जाएगा, आप x plus 5 = 2x, दैट मींस x - 2x = -5, और स्टूडेंट्स एंड -x = -5 कैंसिल आउट, x की वैल्यू 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गया बच्चों, और x की वैल्यू 5 आ गया, और क्वेश्चंस में भी बताना, तो देखो 6 टाइम्स की मां की एज क्या होगा बच्चों, फिर देन मदर एज क्या था, सुबह की परसेंटेज x था तो 5 आ गया, और मदर की परसेंटेज क्या होगा बच्चों, 5 × x, यानी कि 5 × 6 30 इयर्स। आई होप कि देखो बच्चों यहां तक आपको कोई भी कहीं परेशानी नहीं हो रहा होगा क्वेश्चंस को समझने में, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो आप लोग चाहो तो यहां से एक बार अच्छे से करो, फिर हम दोबारा कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों इसे हम इधर 1/3 लिखे थे, मान लो इसका 1/3 है, तो इसकी मदर के इधर हम सुबह के एज में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते ना, फिर भी हमारा आंसर आता, देखो हम इसी तरह से हम यहां देख रहे थे x/5 × 3 = 6x, ठीक है बच्चों यहां से क्या जाता 3x + 15 = 6x, यानी कि यहां से देखो 6 में इधर आके -3x = -15, दैट्स व्हाई x की वैल्यू क्या आता बच्चों 5। तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करके फिर भी आंसर हमारा वही आता, ओके स्टूडेंट्स ना। अब जो हम लोग देखो बच्चों एक और क्वेश्चन थोड़ा हम ले रहे हैं एग्जांपल्स की, एक जो बच्चों और क्वेश्चन हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, और वो भी एज से रिलेटेड था, तो हम सोचे थोड़ा वो भी बीच में हम करा देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इस वजह से एग्जाम्पल्स की जो क्वेश्चन है वो एक और हम कर लेते हैं। आई होप कि देखो वहां से थोड़ा एज का जो है ना मैटर है ना वो थोड़ा और आपको डिटेल, आइए तो आप लोग ध्यान रखना कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन एक जो है 100% जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल से आप लोग कर रहे हो, कहीं भी आपसे पढ़ रहे हो, तो आप जो है एज से रिलेटेड हो गया, इस तरह से क्वेश्चन 100% आता है, तो ये आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना, यानी कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, ठीक है एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर देखो जो है बच्चों यहां से, अब देखो यहां से ये दे रखा था बच्चों, यहां से दे रखा था कि अर्जुन का जो एज है बच्चों 2 गुना था श्याम का एज से, देखो हम क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हैं, पूरा हमने लिख रहे हैं द एज ऑफ अर्जुन एज इज 2 इज श्याम एज, यानी कि जो अर्जुन का एज है ना बच्चों श्याम का एज से 2 गुना श्याम एज, ठीक है बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा कि जो अर्जुन का एज है उस श्याम जो अर्जुन का एज है उस श्याम का एज से 2 गुना, ओके बच्चों 5 इयर्स एगो यानी कि 5 साल पहले, 5 इयर्स एगो यानी कि 5 साल पहले क्या होता है बच्चों 5 इयर्स एगो हिज एज 3 times श्याम एज, 3 times ऑफ श्याम एज, ठीक है बच्चों फाइंड दियर परसेंटेज। देखो क्वेश्चन हम बताएंगे क्या था, क्वेश्चन हम बताएंगे, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों क्वेश्चन क्या था हम बताएंगे, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जो अर्जुन का एज है श्याम का एज से 2 गुना, तो हम श्याम का एज एक्स मानेंगे क्योंकि हम श्याम से रिलेट कर रहे हैं, और उसके बाद 5 साल के बाद क्या हो जाता है बच्चों जो अर्जुन का एज है वो 3 गुना हो जाता है श्याम का एज का, तो दोनों का परसेंटेज क्या था हमें ये बताना था, तो हम लेट किसका मान, लेट द श्याम एज बी एक्स ईयर, श्याम की जो एज था बच्चों से हम लोग क्या मान ले एक्स साल मान लेते, देन अर्जुन एज जो अर्जुन था उसका एज क्या हो जाएगा बच्चों अर्जुन एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना था तो 2x हो जाएगा, अब क्या था 5 इयर्स एगो 5 साल पहले 5 इयर्स एगो पहले दोनों का एज क्या होगा 5 साल पहले जो है बच्चों 5 साल पहले सबसे पहले देखो क्या श्याम का एज क्या होगा 5 इयर्स एगो श्याम एज जो श्याम का एज है बच्चों 5 साल पहले क्या हो रहा होगा आपका जो एज हम बताते x-5 इयर्स एंड अर्जुन एज अर्जुन
अर्जुन एज, अर्जुन का जो एज था 5 साल पहले वो क्या था, 2x-5 years. ओके स्टूडेंट्स, 2x-5 years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि क्या था, 5 साल पहले जो है ना, जो है 5 साल पहले, 5 साल पहले उसका जो एज है 3 गुना हो रहा था श्याम का एज का, 3 times श्याम एज. फाइंड दिया, यानी कि श्याम का एज से अर्जुन का एज जो है ना 3 गुना होता है किसका, श्याम का एज का. तो हम श्याम का एज में 3 से अर्जुन का एज बोला, यानी कि 2x-5 इसका एज का ये 3 गुना रहता है किसका, श्याम का एज से. ओके बच्चों, आ रहा है समझ में, क्वेश्चन में ये बोला कि हिज एज मतलब किसका एज, अर्जुन के एज से कौन, श्याम 3 गुना रहता है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई. यहां से देखो क्या जाए बच्चों, 2x-5 क्या जाए बच्चों, 3x-15. ओके स्टूडेंट्स, 2x-3x इज इक्वल टू -15 -+5, यानी कि -x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -10. x से x कट गया, x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 10. यानी कि किसका जो श्याम का एज है वो 10 साल हो जाएगा, और अर्जुन का एज क्या होगा बच्चों, 2x. अर्जुन एज क्या था 2x, तो 2 × 10, देखो हम यहां पे लिख देंगे, आप नीचे पूरा लिखोगे, देन द अर्जुन एज, अर्जुन प्रेजेंट एज 2x, दैट मींस 2 × 10 20 years. तो आई होप कि देखो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा, और फिर भी कोई क्वारी होता है, कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करना, या वीडियो के लिख के आप कमेंट कर सकते हैं, जहां भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, आराम से रहिए और आराम से पढ़िए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच.